जब महाभारत समाप्त हो चुकी थी तो पांचों पांडव ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगला आने वाला युग और कलयुग कैसा होगा। तो श्री कृष्ण ने उस समय पांच पांडवों से कहा कि तुम जाकर जंगल में घूम आओ और तुम्हें जो भी चीज दिखे उसका आकार वर्णन मेरे सामने करो। पांचों भाई वन में चले जाते हैं और उन्होंने वन में जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन पांच भाइयों ने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने इसके पीछे क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। पहले भाई ने बताया कि उसने एक बड़े से पंछी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई थी, लेकिन वो जानवरों का मांस खा रहा था। जब अर्जुन ने बताया कि उन्होंने जंगल में ऐसा कुछ देखा तो श्री कृष्ण ने इसके वर्णन में कहा कि कलयुग में ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें बुद्धिमान कहा जाएगा, लेकिन वो दूसरों का नुकसान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपना फायदा किसी न किसी तरह से निकलवाने की कोशिश करेंगे। दूसरे भाई ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पर्वत गिरकर धरती पर आ रहा था और वो एक बड़े वृक्ष से भी नहीं रुका, लेकिन आगे चलकर एक छोटे से पौधे ने उसे रोक दिया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में सभी की मति मारी जाएगी और वो सिर्फ धन के पीछे भागेंगे और धन रूप में वृक्ष कभी भी उनकी बुद्धि को ठीक नहीं कर पाएगा और उनके मन को शांत नहीं कर पाएगा। अगर वो छोटे से पौधे यानी कि हरि के नाम के बदले उसी समय उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा और कलयुग में मन को शांति मिलेगी। इसके बाद आगे चलकर भीम ने एक ऐसी गाय देखी जो अपने बच्चों को इस कदर चाट रही थी कि उसके जिस्म से रक्त बहने लगा, जिसे देखकर भीम हैरान हो गए और जैसे इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग अपने बच्चे से इतना प्यार करेंगे कि उनके प्यार के चलते उनका विकास ही रुक जाएगा और कलयुग में बच्चे विकासशील नहीं होंगे, ये माता पिता के प्रेम में ही फंस कर रह जाएंगे। अगर किसी का पुत्र साधु बन जाता है तो उसके दर्शन करेंगे लोग, लेकिन खुद का पुत्र साधु बन जाए तो बैठकर रोएंगे लोग और निराश होंगे कि आखिर उनके पुत्र ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र हमारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हो जाएंगे और बेटियां उनके पतियों की, वह आत्मा भगवान के हवाले हो जाएगी और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद जंगल में उन्होंने दो सूंड वाले हाथी को देखा, इसीलिए श्री कृष्ण से स्पष्ट करना चाहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही दोगले लोग होंगे जिनके हाथ में सत्ता होगी और वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और इसी तरह से वो मासूम लोगों का शोषण करेंगे। सहदेव ने देखा कि जंगल में बहुत सारे कुएं थे, इनमें से एक बीच का कुआं था और वो खाली था। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि कलयुग में लोग अपनी पुत्रियों के विवाह में बाकी अन्य भावी चीजों में पैसे खर्च करेंगे, लेकिन अगर किसी गरीब और भूखे व्यक्ति को देखेंगे तो उसे दान नहीं देंगे। दोस्तों, ये श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणियां जो लगभग सच हो चुकी हैं कलयुग में। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और साथ ही साथ ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।